डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल educate.com, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से हार्दिक स्वागत। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, DHE की अभी जस्ट वैकेंसी लिस्ट आई है, उसमें थोड़ी सी एक बात आपसे कहने में मैं चूक गया, सॉरी फॉर दैट। अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो वैकेंट लिस्ट आई है, वैकेंट सीट्स की जो लिस्ट आई है सेंट्रलाइज एडमिशन की, उसके यहाँ पर मैंने कई जगह पर ये बोला कि भाई यहाँ पर सीटें नहीं बची है, तो ये आप ध्यान से देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इस ऊपर वेकेंट सीट डाटा नॉट फिल्ड बाय रिस्पेक्टिव कॉलेज, जहाँ पर स्टार लगे हुए हैं दैट इज़ वैकेंसी जो है वहाँ पर अभी बच रही है। और यहाँ पर अभी बहुत इम्पॉर्टेंट नोट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट आप देख पा रहे हैं जो मैं एरो से बता रहा हूँ, इसलिए आपको दोबारा बताने लग रहा हूँ। वेकेंट सीट डाटा नॉट फिल्ड बाय द रिस्पेक्टिव कॉलेज, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स 11, तो यहाँ पर अभी स्टार लगा हुआ है। इसको अगर हम बड़े करके एनलार्ज करके देखें तो यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब अभी यहाँ पर क्या है कि इन्होंने अपनी वैकेंसी लिस्ट शो नहीं की है। तो अभी ये लिस्ट जो है एक तरीके से हम कहेंगे कि भी प्रोविजनल लिस्ट है, और इसमें अभी चांसेस हैं कि अब यहाँ पर लिस्ट में कुछ ना कुछ सीट ज़रूर दिखेगी। दूसरी बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये देख पा रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर कि फॉर ब्रेकअप ऑफ सीट विजिट कॉलेज वेबसाइट, तो ब्रेकअप जो है सीट्स का अभी ये अभी फाइनल इसमें, क्योंकि ये अभी डी रिजर्वेशन वाली बात जैसे नोटिस में तो ज़रूर आया था, लेकिन अभी ये डी रिज़र्व सीट्स हैं या नहीं, इसमें SC ST अभी इंक्लूडेड है इसके बारे में भी अभी क्लियर नहीं है, तो इसलिए आपने कॉलेज वेबसाइट पर जाकर अपनी सीट चेक करनी है। अभी अपडेट्स नहीं आ रही है, और जैसे मॉर्निंग में हो सकता है कि सुबह के टाइम जो है आपके जो है मॉर्निंग में आपकी लिस्टों में चेंज हो जाए, और हो सकता है इसमें बदलाव किया जाए। तो जहाँ जहाँ आप स्टार लगे हुए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी जैसे मैंने मेंशन किया यहाँ पर अभी वैकेंसी होगी, जैसे DAV में अभी कोई नहीं, इन्होंने अपनी डाटा शेयर नहीं किया है DHE के साथ। तो बने रहें इस चैनल के साथ। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे बच्चे अभी पूछ रहे हैं फ़ोन करके कि कॉलेज की एडमिशन कैसे होगी, फिर कॉलेज की एडमिशन स्ट्रिक्टली मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी, तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको बीच में से उठाकर आगे कर दिया जाएगा। जैसे जैसे मेरिट में रैंक के आपके प्रोविजनल लिस्ट के अंदर जो रैंक्स थी जो गूगल फॉर्म भरने से पहले आई थी, जिनके अंदर सब बच्चे कह रहे थे कि हमारे नाम सभी में है कॉलेजेस में हैं, तो वहाँ से ही बच्चों का एडमिशन होगा। नो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये कॉलेज अपनी मर्जी से ऐसे एडमिशन नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये जो है स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट बेस ही एडमिशन होगी। तो ये फिर से एक अपडेट दे रहा हूँ, और सुबह मॉर्निंग में पूरी की पूरी डिटेल के साथ आपके साथ वीडियो बनाकर शेयर करूँगा। अभी तो फ़िलहाल आपको यही आपको बताया जा रहा है, जैसी अपडेट्स आएंगी वैकेंसी लिस्ट पूरी आ जाएगी तो टोटल कितनी सीटें किस किस कोर्सेज की बची है, जैसे पहले मैंने आपको रिव्यू बताया था वैसे दी जाएगी। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल दैट इज़ educate.com। धन्यवाद।